स्वागत है थोड़ा मैं थोड़े लाल इंदरजीत कौर ते हुन शुरुआत कर दें आ शॉर्ट एंड शार्प 52 दी आम आदमी पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा एक बार फिर तो मीडिया के रूबरू हुए तो इल्जाम की एक होर लंबी चौड़ी फहरिस्त लेके आए। कपिल मिश्रा ने दावा किया कि वह कल सवेरे 11:30 बजे सीबीआई के दफ्तर जाएंगे तो सील बंद लफाफे केजरीवाल सतेंद्र के खिलाफ सबूत दे। कपिल मिश्रा ने कहा कि जिन्नी जानकारी लोगों को देनी सी उन्होंने दे दी है, बाकी जानकारी वह कल सीबीआई सौंपणगे ताजो सबूतों के नाल छेड़खानी ना की जाए। संजय सिंह जी का पहला सवाल ये था कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर कितने बजे गया, क्यों गया, क्या करने गया, तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, उस घर में जो लोग इस वक्त बैठे हैं बड़ी बेचैनी है उनके अंदर, बड़ी छटपटाहट है और घबराहट है कि कपिल मिश्रा क्या डिटेल बताने वाले हैं। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, कल 11:30 बजे सीबीआई का टाइम मेरे को मिला है, सारे डिटेल लेकर जो डिटेल पब्लिक करे जाने चाहिए थे जिनके कारण एविडेंस में कोई गड़बड़ नहीं होती, जांच में कोई प्रभावित नहीं होती, वो मैंने सारी देश की जनता को बताए हैं कि सत्येंद्र जैन ने पैसे दिए, अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे लिए, मेरी आंखों के सामने लिए और अपने घर के अंदर लिए। सिर्फ इन्ना ही नहीं, कपिल मिश्रा ने सतेंद्र जैन ने उन्होंने दसिया कि उन्होंने केजरीवाल के सांडू 50 करोड़ का फायदा पहुंचाया। कपिल का इल्जाम है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सांडू के लिए लैंड डील करवाई सी ते छतरपुर 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील हुई। पूरे देश को बताना चाहता हूं, सतेंद्र जैन जी ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे को खुद बताया था जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। तो संजय कपिल मिश्रा ने कहा कि अपनी जान का भी उन्होंने कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ आवाज चुकने से ट्विटर फेसबुक से मिल रही जान तो मारन दिया धमकिया। कपिल मिश्रा का ऐलान कि कदे भी जाऊंगा बीजेपी दे विच ते बीजेपी का एजेंट दसे जाते केजरीवाल से आम आदमी पार्टी इल्जाम साबित करने की चुनौती। जिनाल ही उन्होंने पंजाब दे विच विधानसभा चुनाव के दौरान भी कई गंभीर इल्जाम पार्टी से लगाए। दिल्ली दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल मिश्रा ने लगाया इल्जाम कि पंजाब चुनाव के दौरान कुड़िया की हुई सप्लाई। एक ईमेल आईडी मैं आज लॉन्च कर रहा हूँ, letsclean@gmail.com। पूरी दुनिया में जितने लोगों के पास सबूत है पीएससी में बैठे इन 4-5 लोगों के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार या पैसे के लेन देन के, जो किसी को भी पार्टी में रख लेते हैं, जो किसी को भी पार्टी से निकाल देते हैं, जो कभी भी फैसला ले लेते हैं कौन क्या बनेगा कौन क्या नहीं बनेगा, जो खुद पैसे का लेन देन करते हैं और दूसरों को ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं, ईमेल आईडी पर भेजिए या मेरे घर पे आके दीजिए, सारे सबूतों की पड़ताल की जाएगी। लोगों ने मेरे से मुलाकात की है और मेरे को फोन किया है, पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान फंडिंग की किस प्रकार से गड़बड़ हुई, पंजाब में किस प्रकार से टिकटों के लिए पैसों का लेन देन किया गया, फार्म हाउस में दारू पैसे और लड़की के धंधे किए गए। अमेरिका से कुछ लोगों के फोन आए हैं कि संजय सिंह जी के रिश्तेदार टिकटों के लिए अमेरिका में पैसों की डील करते थे। उधर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिर कपिल मिश्रा क्यों नहीं दस पा रहे कि उन्होंने कदों केजरीवाल के नाल मुलाकात की थी। इस दिनाल संजय सिंह ने कहा कि कपिल मिश्रा पंजाब के वॉलंटियर्स नूं बदनाम कर रहे हैं। पूरी पार्टी उनके लिए भ्रष्ट है, पंजाब में भी गड़बड़ी हुई और पूरे दुनिया में गड़बड़ी हो रही है, अमेरिका से, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, पूरी दुनिया से सबूत मांगते फिर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मंत्री पद जाने की बौखलाहट, हताशा में, उस निराशा में ऊल जलूल बेबुनियाद ऐसे आरोप लगाते रहेंगे।
फिर मेरे उस सवाल को टाल गए कि वो कितने बजे मुख्यमंत्री आवास में गए थे। इसका मतलब वो मुख्यमंत्री आवास में गए ही नहीं थे। उनका आरोप पूरी तरह से झूठ और निराधार है। इसीलिए जब वो पूरे देश से, पूरे कार्यकर्ताओं से, देश के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए कपिल मिश्रा कह रहे हैं, तो उनको समय बताने में क्या हर्ज है कि कितने बजे गए थे। इतना बड़ा आप खुलासा कर रहे हैं, इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे, इतनी बड़ी बातें आप कह रहे हैं, और उसके बाद ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि कितने बजे गए थे। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के आगुआ की दिल्ली च बैठक हुई, कई मुद्दों से चर्चा हुई। पीएसी की मीटिंग दे विच पंजाब कन्वीनर के बारे फैसला होएगा, तो एचएस फुलका ने इसकी जानकारी दी। अभी डिसीजन पीएसी में होगा, पीएसी की मीटिंग अभी शुरू होने वाली है, डिसीजन पीएसी में होगा और आपको बता दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के विदेश में बैठे समर्थकों ने केजरीवाल को लिखा खत, भगवंत मान को पंजाब की जिम्मेवारी न देने की की अपील। कपिल मिश्रा के इल्जाम से आज भी कुछ नहीं बोले केजरीवाल, पत्रकारों के सवालों का जवाब दिते बिना ही गए। मुख्यमंत्री बनने तो बाद अज पहली बार श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह। इस दौरान पंजाब कांग्रेस के कई विधायक के मैंबर पार्लीमेंट रहे मौजूद, सीएम नु एसजीपीसी ने किया सम्मानित। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमृतसर के दुर्गियाणा मंदिर च भी टेकया मत्था, माता दा लिया आशीर्वाद, सीएम बोले ये एक धार्मिक दौरा। दुर्गियाणा मंदिर च दर्शन करने तो बाद मुख्यमंत्री राम तीरथ पहुंचे। गोल्डन टेंपल दे विच मत्था टेकने बाद सीएम जलियांवाला बाग पहुंचे, जिथे उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सरबत खालसा के दौरान मनाए गए जथेदार सचखंड श्री हरिमंदर साहब च नतमस्तक हुए, तो इस मौके मुतवादी जथेदार ने फिर दोहराया कि विधानसभा चोणां च आगुआ दे वलों धार्मिक डेरिया तो वोटां मंगियां गईआं। हरियाणा के सबका मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सीबीआई दिल्ली स्थित मुख दफ्तर दे विच हुई पुछगिछ, पंचकूला प्लाट घोटाले च सीबीआई दे वलों की गई पुछ पड़ताल। वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रहे आमदनतवाद जायदाद मामले च कोर्ट च हुई सुनवाई, वीरभद्र सिंह की उन्होंने पत्नी प्रतिभा सिंह नु समन जारी, वीरभद्र पत्नी सने नौ लोगों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट से कोर्ट ने लिया नोटिस। शिमला च कांग्रेस कमेटी की बैठक, बूथ लेवल तक संगठन मजबूत करने ते लोगों नु सरकार का काम दसन की रणनीति बनाई। पीएम नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली के बाद एक्शन हिमाचल कांग्रेस, हिमाचल करवाई जाएगी सोनिया गांधी ते राहुल गांधी दी रैलियां, हाले तरीक तय नहीं हो पाई, चोणां दे लई कांग्रेस ने तैयार किया रोडमैप। आने वाला वर्ष जो है हमारा ये विधानसभा का चुनाव का वक्त है, इसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता राहुल गांधी जी भी आएंगे और सोनिया गांधी जी भी आएंगे, वो हमारा ऑलरेडी शेड्यूल में है और आने वाले समय में ये बड़ी मीटिंग्स कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइज करें। रैली कहाँ कहाँ हो सकती है? अगर हमारा तकरीबन हर पार्लियामेंट्री में एक एक रैली जो है बड़े नेताओं की, सोनिया जी की और राहुल जी की जरूर होगी। कुरुक्षेत्र तो बीजेपी एमपी राजकुमार सैनी ने हरियाणा सरकार के मंत्रियों के चुके सवाल, कहा पांच मंत्री संभाल रहे ने सारा काम, 28 नवंबर नू जींद दे विच करंगे रैली। जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी सैक्टर च भारतीय फौज ने पाकिस्तान के बंकर उड़ाए, वीडियो आया सामने। बॉर्डर से पाकिस्तान के बंकर उड़ाए जाने का वीडियो सामने आया, पुंछ की कृष्णा घाटी के भारतीय फौज के एक्शन का दावा, पाक आर्मी ने इस थां से दुर्गति की सी भारतीय जवानों दियां लाशां दी।
बीते दिन कृष्णा घाटी सैक्टर से शहीद जवानों की मृतक देहां नाल बर्बरता की गई सी। जम्मू कश्मीर के डोडा च स्पेशल टास्क फोर्स की पोस्ट से फायरिंग, दो सिपाही जख्मी। श्रीनगर के रिहायशी इलाके च भयंकर अग लग गई है। अग डल गेट इलाके के एक घर के विच लगी ते देखते ही देखते दो होर घर भी अग ने अपनी लपेट लै लिया। फायर ब्रिगेड दी 6 गड्डियां अग ते काबू पाउण च जुट गईआं। सवाला च लुधियाना पुलिस हवाला रकम फड़न ते छापेमारी दे बहाने कारोबारी तो वसूली 20 लाख रुपए की रिश्वत, दो पुलिस अफसर समेत 6 मुलजम किए गए गिरफ्तार। अमेरिका च 32 साल के कपूरथला वासी का चाकू मार के कतल, सीएम अमरिंदर सिंह ने विदेश मंत्रालय में ट्वीट करके जताई फिकर। विदेश मंत्री ने भी भारतीयों की सुरक्षा यकीनी बनाने का दिता भरोसा। नाभा जेल ब्रेक नूं 5 महीने तो ज्यादा बीतिया वक्त, बड़ा सवाल कदों सलाखा के पिछे पहुंचेगा सरेआम। संगीन वारदात को अंजाम देने वाला गैंगस्टर विकी गौंदर ते दहशतगर्द कश्मीर सिंह। पंचकूला के सकेतड़ी पिंड गैंगवार, एक की मौत, दो नकाबपोश लोगों ने मंदिर च मत्था टेकन पहुंचे नौजवान से चलाईयां गोलियां, पेशे तो बाउंसर से मृतक, मामले की जांच विच जुटी पुलिस। यहाँ दो लड़के आए थे, उसने पूछा कि हम यहाँ पेशाब कर ले, हमने बोल दिया नहीं सामने बाथरूम में वहाँ कर। उसके बाद में फिर वो यहाँ पीछे बैठ गए चुपके, ये पीछे घास में, तो हमने सोचा पेशाब कर रहे होंगे। उसके थोड़ी देर बाद उठ के इधर भागे, हमने सोचा कि ठा ठा की आवाज़ ये चार सुनी, हमने सोचा कोई टायर फट गया होगा, तो उसके बाद में भाग के यहाँ कार में भाग के चले। यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज में 4 स्कूली विद्यार्थी बह गए, दोहां दीआं लाशां मिल गईआं ने, दो की तलाश जारी है। यूपी के सहारनपुर के रहने वाले संचालक, 4 बच्चे आए थे और दो बच्चे और थे इनके साथ, तो ये दो, एक बच्चा नहर में पानी पीने के लिए स्लेब बनी थी सीमेंट में, उस पर उतरने लगा तो उसका पैर स्लिप कर गया, तो दूसरे बच्चे मोटरसाइकिल पे बैठे थे दौड़ का, दूसरे ने एक ने उसको पकड़ा तो वो भी उसमें डूब गया, तो दूसरे बच्चे दो खड़े थे उन्होंने शोर किया, फिर लोगों ने इनको बाहर निकाला। यमुनानगर के पिंड फतेहपुर की फ्लाई फैक्ट्री के विच लगी अग, शॉर्ट सर्किट की वजह करके अग लगी, करोड़ों रुपए के नुकसान का खदशा। जींद च डीजे नाइट से हुई फायरिंग, 7 लोगों नूं लगियां गोलियां, जख्मियों नूं जींद के हस्पताल च करवाया गया भर्ती, जांच के विच लगी पुलिस। मणिपुर के विच मोरे के कोल आईईडी ब्लास्ट धमाके के विच एक जवान शहीद, 3 जख्मी, सवेरे होया सी धमाका। मेट्रो दे विच सफर करना हुण होएगा महंगा, DMRC ने बुधवार तो वधाया किराया, ते घट्टो घट 10 रुपए किराया होएगा, ज्यादा तो ज्यादा 50 रुपए च कर सकोगे सफर। चीन दे ग्वानडोंग सूबे दे विच ट्रेन ते प्लेटफार्म दे विचाले फसिया बुजुर्ग महिला दा पैर, मुसाफरा ने बचाई जान। जॉर्जिया के जंगल दे विच लगी अग करके रिहायशी इलाके च गहराया संकट, प्रभावित लोगों नूं कढ़े जाण दा काम तेज। इंग्लैंड दे विच ड्रोन उडाउण दा मामला, वड्डी गिनती दे विच लोगों ने लिया हिस्सा। चैंपियंस ट्रॉफी दे लई 15 मैंबरी भारतीय टीम दा ऐलान, विराट कोहली हथ कमान, युवराज की टीम भी शामिल। चार जून भारत का पहला मैच पाकिस्तान के नाल, चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी दे विच है भारत। चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला 14 ते 15 जून होएगा, जबकि फाइनल 18 जून खेडिया जाएगा। श्रीनगर के यंग टैलेंट लभण के लिए अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट का प्रबंध, CRPF के वलों प्रबंध टूर्नामेंट के पहुंचे खिलाड़ियों दिखा जोश। जस्टिन बीबर की टीम पहुंची इंडिया, 10 मई को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा म्यूजिक कॉन्सर्ट।
सलमान खान ने दिता जस्टिन बीबर नू अपना बॉडीगार्ड, कहा मेरे ते शेरा दे लई है इस सलमान की गल। इंटरनेशनल मीडिया तो नाराज हुई दीपिका, अमेरिका दे विच दीपिका नू गलती नाल प्रियंका कहा गया सी। कंगना रनौत ने अपने बयान नाल सारे नू हैरान कर दिता, कहा मणिकर्णिका दे बाद सिर्फ फिल्म मेकिंग ते करेगी फोकस। दंगल गर्ल फातिमा सना करेगी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान दे विच काम, डायरेक्टर विजय कृष्ण ने दी जानकारी। फिलहाल दे लिए नहीं इजाजत दियो, धन्यवाद।